अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ ज़ीना ज़ीशान और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल कुकिंग विद ज़ीना में। आज हम बनाने जा रहे हैं पेठे का हलवा, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पेठा कद्दूकश किया हुआ 1.5 किलो, देसी घी 1 कप, आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खोया 1 पाव, चीनी हसब जायका, सब्ज़ इलायची कुटी हुई 1 टीस्पून, नारियल हसब ज़रूरत, बादाम कटे हुए हसब ज़रूरत, पिस्ता कटा हुआ हसब ज़रूरत। पैन रखेंगे, घी डालेंगे, इलायची डालेंगे कुटी, इलायची फ्राई हो गई है, अब इसमें पेठा डाल देंगे, दस से 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए हलवे को। अब इसमें शामिल करेंगे चीनी, चीनी हसब जायका शामिल करेंगे, मज़ीद 10 मिनट पकने देंगे इसको कि चीनी का पानी खुश्क हो जाए और इसका घी निकल आए। चीनी का पानी खुश्क हो गया है, ऑयल निकल आया है, अब इसमें शामिल करेंगे पिस्ते, कटे हुए बादाम, कटा हुआ नारियल,
अब इसमें शामिल करेंगे खोया, खोया मैंने डाल दिया है। अब हल्की आग पे इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि खोया मेल्ट हो जाए अच्छी तरह। खोया मेल्ट हो गया है, 5 मिनट हो चुके हैं। पेठे का हलवा तैयार है, अब इसे डिश आउट करूंगी। मज़ेदार सा पेठे का हलवा तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।